नमस्कार भाई लोग। तो आज आपका फिर से हमारे इस चैनल पोल्ट्री फार्मर डमन में स्वागत है। तो जैसा कि आज आप लोग देख रहे हैं, आज हम लोग का फार्म में चूना का छिड़काव किया जा रहा है। तो ये हम लोग का चूना बाल्टी और एक गमला हम लोग ले लिए हैं और अब हम लोग इस गमला से चूना ले जाकर हम लोग पूरा फार्म में इसका लेप या फिर पोताई करेंगे। तो आप लोग भाई लोग वीडियो के अंत तक बने रहना ताकि मैं आपको बता सकूँ और आप लोग भी जान सकें कि पोल्ट्री फार्मिंग से जो कर रहे हैं वो उनको चूना लगाना ज़मीन में क्यों ज़रूरी है। तो ये हम लोग सबसे पहले चूना घोल लिए हैं। तो कितना चूना लगाना है भाई लोग, तो ये भी मैं आपको बताऊंगा। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहना प्लीज़। तो भाई लोग, मेरा जो ये फार्म है, ये मेरा 2000 पोल्ट्री का कैपेसिटी का फार्म है। तो इसके हिसाब से मेरा यहाँ पे 100 फीट लंबा ये मतलब ज़मीन है इसका। तो मेरा इसके हिसाब से मेरा 30 किलो चूना लगता है यहाँ पे। तो भाई लोग, ये चूना देना मतलब चूना का पुताई करना यहाँ पे क्यों इतना ज़रूरी है ये मैं आपको बताता हूँ कि इससे क्या है कि आपका फार्म है, जो भी आपका जो बचा कुचा आपका जो इंसेक्ट और पिल्लू उल्लू जो आपको बच गया होगा इस ज़मीन में, आपका जो ज़मीन के अंदर चल जाता घुस जाता वो भी फार्म में नहीं आएगा। और इसके बाद आपका क्या है कि बाहर से जो आपका बिच्छू सांप वगैरह जो आता है ये भी नहीं आएगा इस फार्म में। एक बार अगर आपको चूना पड़ गया ना फार्म में तो आपका ये सबसे एकदम छुटकारा समझ लीजिए, क्योंकि ये जो चूना है बहुत गर्म चीज़ है। और इसके बाद आपका क्या है कि ये चूना इस मिट्टी को भी बहुत टाइट रखता है, हमेशा गर्म मतलब सूखा मिट्टी बनाकर रखता है इसको, ये भीगने ज़्यादा गीला नहीं होने देता। ज़्यादा गीला हो जाएगा तो क्या होगा कि जो आपका चिक्स का जो लिटर है, जो आपका भूसी आता है, वो बहुत हमेशा बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा। जो आपका 10 दिन में ख़राब होने वाला वो आपका 5 दिन में ख़त्म हो जाएगा। तो आपका फिर खर्चा कॉस्टिंग बढ़ जाएगा खुद का। तो आपको हम एक बार ये फार्म का जो ज़मीन आपको दिखा देते हैं हम लोग किस तरह करके ये दिए हैं। और एक बात भाई लोग कि आपको जो साइड का जो पिलर है ये भी आपका चूना से आपको ये करना रंग करना है। तो अभी हम लोग ये देखिए, पतला चूना नहीं, वो मोटा, थोड़ा मोटा होना चाहिए। तो ये देखिए, अभी हम लोग ये आपको दिखाते हैं, हम लोग पिलर सब में भी कलर करेंगे, अभी इसका बाकी है। तो ये देखिए हम लोग किस तरह करके ये दिए हैं। और इसके बाद हम लोग पूरा फार्म में जब कंप्लीट हो जाएगा तब इसके बाद हम लोग उसको 2 दिन सूखने दे देंगे। तो आज का वीडियो भाई लोग यहीं तक था, तब तक के लिए धन्यवाद।